हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, ये रेडमी का फ़ोन है। दोस्तों, रेडमी के फ़ोन में आज हम आपको पांच टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे स्क्रीन शॉट का। दोस्तों, सो आप रेडमी फ़ोन में अपने रेडमी फ़ोन में स्क्रीन शॉट कैसे लोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे तीन फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आपको स्वाइप करना है तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, आपको ऊपर से नीचे की तरफ से तीन फिंगर से जो है स्वाइप करोगे तो आपका जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा पहला तरीका। दोस्तों, और आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, इसमें वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इन दो प्रकार से दोस्तों आप अपने रेडमी फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला टिप्स एंड ट्रिक। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको तीन फिंगर से ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करना है और वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो आपका जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आपका जो है ये पहला ट्रिक था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको दूसरे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दूसरा तरीका इस वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। तो दूसरा तरीका हमारा दोस्तों है आपका टॉक बैक। यदि आपके फ़ोन में मतलब इस प्रकार से हो गया है कि आप कहीं भी टच करते हैं, ये सेटिंग से प्रॉब्लम हो जाता है, आप कहीं भी टच करते हैं तो मोबाइल से बोलने की आवाज़ आता है, आपका टच जो है जल्दी काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है दोस्तों, तो इसमें आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको डबल प्रेस करना है और किसी ऊपर नीचे करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है, तब आपका जो होगा। दोस्तों, यहाँ पे चलिए ये भी हमारा खुल गया। आप दोस्तों हम एक फिंगर से काम करना चाहेंगे तो हमारा नहीं होगा, जब हम डबल फिंगर का प्रयोग करेंगे तभी हमारा जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं होगा तभी हमारा मतलब चलेगा फ़ोन। तो यहाँ पे हम जो है इसमें सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग पे एक बार क्लिक करोगे तो ओके नहीं होगा, यहाँ पे आपको डबल प्रेस करना है तो ये जो है आपका ओके हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे जाना है दोस्तों, एक फिंगर से आप जाओगे तो नहीं होगा, आपको डबल फिंगर से मतलब आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आप नीचे जाओगे, आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे आपको जो है ओके कर देना है। तो चलिए यहाँ से एडिशनल सेटिंग पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक्सेसिबिलिटी का मिल जाएगा, एक्सेसिबिलिटी पे आपको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको वजन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डबल प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए टॉक बैक का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ऑन है, तो यहाँ से इसको हम ऑन करके मतलब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से हम स्टॉप कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि वॉल्यूम डाउन बटन और वॉल्यूम जो है प्लस बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो अभी हमारा जो है टॉक बैक डिसेबल हो जाएगा। अब हम तीसरे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यदि आपके मोबाइल का एलसीडी का कलर आपके सेटिंग में जाने से चेंज हो गया है और आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब खोलेंगे तो आपका जो है एलसीडी का कलर चेंज हो गया है, इस प्रकार से आपका निगेटिव डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। इसका बहुत ही सिंपल सा सेटिंग है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। इस प्रकार से यदि आपका डिस्प्ले का कलर बदल गया है तो आप सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है, आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्ले का कलर कैसा आ रहा है। उसके बाद आपको जाना है, थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। उसके बाद फिर से विजन पे जाना है और यहाँ पे देख लीजिए कलर इन्वर्जन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ऑन है तो इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब हमारे डिस्प्ले का कलर जो है नॉर्मल हो गया, पूरे तरीके से अच्छा हो गया, नेगेटिव हमारा जो था वो ठीक हो गया दोस्तों। अब हम चौथे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में करेंगे दोस्तों। तो इसमें हम चौथे टिप्स एंड ट्रिक में बात करेंगे तो यहाँ पे हम बैक बटन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यदि आपके फ़ोन का बैक बटन गायब हो गया है और आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए होम स्क्रीन लिखा हुआ है, होम स्क्रीन पे आप जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आप जाओगे, यहाँ पे ये देख लीजिए सुगेस्टेड जो लिखा है सिस्टम सुगेस्टेड, यहाँ पे बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे बटन पे आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपको जो है बटन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए तीनों बटन आ गया है दोस्तों। अब हमें बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो बैक बटन का जो है हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको लास्ट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताएंगे जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको टच हैंग, यदि मान लीजिए आपके मोबाइल का टच हैंग हो गया, मतलब टच आपका काम नहीं कर रहा है दोस्तों, और आपका मतलब जैसे टच नहीं काम कर रहा है या मतलब डिस्प्ले ब्लू हो गया, आपके डिस्प्ले पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फ़ोन आ रहा है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको आप जैसे यहाँ पे स्विच ऑफ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, फिर भी मतलब आपका टच नहीं काम कर रहा है या आपके फ़ोन में मतलब हैंग हो गया, डिस्प्ले पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार आपको जो है पावर बटन को थोड़ी देर टाइम तक प्रेस करके रखना है, लगभग 10 से 15 सेकंड तक, तो जो है आपका फ़ोन रिबूट और स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों।
तो जैसे मान लीजिए ये आपका अचानक चलते चलते टच काम करना बंद कर दिया है, या मतलब आपका स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फोन आ रहा है फिर भी आपका जो है डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, या ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप जो है इस ट्रिक का एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट कर लेना दोस्तों। चलिए ये लास्ट टिप्स एंड ट्रिक है। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम में हमारा फोन ऑन हो जाएगा और जो है आपका हैंग प्रॉब्लम रहेगा तो वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। आपका टच 100% काम करने लगेगा, आपका डिस्प्ले सही रहेगा और ब्लिंक होने पर आपका जो है डिस्प्ले आ जाएगा दोस्तों, 100% आपका जो है डिस्प्ले आ जाएगा। और ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर उस फोन में होता है जिस फोन का डिस्प्ले चेंज होता है दोस्तों, उसमें अधिकतर ये प्रॉब्लम आता है कि आपका टच अचानक काम करना बंद कर देता है, या ब्लैंक डिस्प्ले हो जाता है, आपका ब्लू डिस्प्ले हो जाता है, या डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।